टिकटॉक स्टार हरीम शाह की ईद कैसी गुजरी? 24 न्यूज से गुफ्तगु में कहा कि ईद पिशावर में गुजारी, ईद अच्छी गुजरी मगर कोरोना के मौजूदा सूरत हाल की परेशानी भी रही। हरीम शाह के दोस्त गुलकारा आसमा राजपूत ने वजीर आजम इमरान खान के लिए खसूसी गाना भी तैयार किया है। मजीद बता रही है रुजीना अली, जो कि हरीम शाह और उनकी गुलकारा दोस्त के साथ मौजूद हैं। जी रुजीना। बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी मीठी सी खुशियां मनाई जा रही हैं। हम यहाँ पर हैं हरीम शाह के साथ और उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ चटपटी सी बातें करते हैं और जानते हैं कि हरीम की ईद कैसी गुजरी है। कैसी ईद गुजरी आपकी? इस दफा क्या हट के ईद में था? किस तरह की ईद गुजरी और कहाँ पर ईद गुजारी आपने? मैंने ईद पेशावर में गुजारी और मज़ा आया, बट हालात चूंकि थोड़े से डिस्टर्ब हैं। एक तो कोविड की वजह से थोड़ा अपसेट हैं कि ये जो सिचुएशन है, जल्द से जल्द अल्लाह तबारक व तआला में इस आजमाइश से निकाल। मेरा ढोला खान पशोर दाए, मेरा ढोला खान पशोर दाए, जद सामने मेरे आंदा है थोड़ा हसदा थोड़ा शर्मांदा, जद सामने मेरे आंदा है थोड़ा हसदा थोड़ा शर्मांदा, जग आशिक ओ दी टोर दाए, ना पिंडी ना शहर लाहौर दाए, मेरा ढोला खान पिशोर दाए। वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा बताइए कि अगर ये गाना जो है उसके सुनने के बाद अगर खान साहब कहते जी आसमा को बुला लीजिए, एक मीटिंग हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी, खुशनसीबी है मेरी। बहुत खूबसूरत सा तोहफा पिशावर की जानिब से, आसमा राजपूत की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के लिए, और यकीनन जब आसमा वो गाना आपको सुनेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और हम भी इनसे यही कहेंगे कि हमेशा हंसी मुस्कुराती रहें, खुश रहें। जी ठीक है रुजीना, बहुत शुक्रिया आपका।